चकलाला गैरिसन में एजाजात देने की पुरवकार तकरीब स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के 35 साइंसदानों और इंजीनियर्स को तमखों से नवाजा गया। डायरेक्टर SPD लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाल ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से मेडल्स दिए। ISPR और इस्लामाबाद में होने वाले 23वें SCO इजलास की तैयारियों का जायजा इजलास नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी ख़ारजा और मुतालिका वज़ारतों के हुकाम की भी इजलास में शिरकत। SCO कॉन्फ्रेंस के इंतजाम से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। अगर हमने पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ पहुँचाना है, अगर हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है, तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिम्मेदारी होगा कि जो सियासी केसेस हैं, जो आईनी केसेस हैं, जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की विजन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिम्मेदारी होगा। अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी का देरीना मौकिफ और मुतालबा है। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। 50% केसेस 90% वक्त लेते हैं, तो क्या आईनी अदालत ना बनाएं? आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। 18वीं तरामीम के जरिए जजेस की तैनाती का निज़ाम वज़ा किया गया। जजेस के तैनाती के निज़ाम को दुरुस्त करना है। जजेस की तकर्रुरी के अमल में शफाफियत बेनज़ीर भुट्टो का मुतालबा था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत वादे के मुताबिक तरमीम करने तक पीछे नहीं हटूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर के वकला के नुमाइंदगान से खिताब, कहा जब COD पर दस्तखत हुए तो इफ्तिखार चौधरी मुशर्रफ का चीफ जस्टिस था। कहा गया कि जजेस की तकर्रुरी चीफ जस्टिस की मर्जी से होगी। इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली उसे कभी साकिब ने तो कभी गुलजार ने आगे बढ़ाया। इफ्तिखार चौधरी के बाद ये रिवायत बन गई, आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे। जजेस का काम डैम बनाना नहीं, कराची को पुराना या नया बनाना नहीं। अदालतों में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, आवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ हमारी तरजीहात में शामिल है। मुझे शहीद भुट्टो के केस में इंसाफ के लिए 50 साल लगे। आवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए इकदाम यकीनी बनाने हैं। मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। स्पीकर अयाज सादिक का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशस्तें अलॉट करने का मुतालबा। खत के मतन में कहा, तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आजाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असेंबली का भी इलेक्शन कमीशन को खत। खत के मतन में कहा, पंजाब असेंबली में आजाद इरकान पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके। अमली तौर पर इन इरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया। पार्लियामान इससे पहले इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाजे करती है कि साबिका कानूनी वजाहत की बजाय मखसूस नशस्तों पर नई कानून साजी के मुताबिक काम करना होगा। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में वो एक संगे मील है। आईन ने जो इख्तियार दिया है कानून साजी का, आईन में तरमीम का, आईन बनाने का, वो पार्लियामान को इख्तियार दिया है। और बहुत ही अफसोस होता है कि जब इस इख्तियार को इस्तेमाल किया जाता है दीवार की दूसरी तरफ से, तरीके टे की जब तशरीह की जाती है तो वो अपनी मंशा के मुताबिक की जाती है। किसी इदारे को ये हक हासिल नहीं है कि वो आईन को रीराइट करे। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, आइन बनाने का इख्तियार पार्लियामान के पास है। बहुत ही अफसोस होता है जब इस इख्तियार को दूसरी जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। अजीब मामला है, 63A की तशरीह के दौरान पार्लियामान की बालादस्ती का ख्याल नहीं रखा जाता। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 63A की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक अदालती फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले PTI में कैसे शामिल हो सकते हैं? आज़ाद हैसियत में बैठने वाले अरकान को भी PTI का रुकन करार दे दिया गया। विफाकी वज़ीर-ए-इत्तला'आत और नशरियात अदा तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू।
चीफ इलेक्शन कमीशन के जरिए सदारत अहम इजलास बे नतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज भी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट के वजाती नोट पर गौर के लिए कल दोबारा इजलास तलब। इलेक्शन कमीशन मामले पर कल मजीद मुशावरत करेगा। आईनी माहिरीन से राय लेने के बाद हतमी फैसला होगा। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तर्मीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत तीन रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। जजेस कमेटी चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल। सुप्रीम कोर्ट जजेस कमेटी के इजलास के एजेंडे में 63 ए फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें शामिल थी। ऑडियो लीक केस से मुतालिक दरख्वास्तें भी एजेंडे में शामिल थी। वकला तंजीमों को एतमाद में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जरिए तमाम पाकिस्तान नुमाइंदा वकला मीटिंग का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक नुमाइंदा इजलास पार्लियामान की हर किस्म की कानून साजी बाशमूल आईनी तरामीम करने का इख्तियार तस्लीम करता है। कोई भी कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। तमाम शरपसंद अनासर मुल्क की जमहूरियत और आइन की बका को खतरे में डालने से बाज रहें। वकला की जानिब से 11 निकात पर मुश्तमिल मुतफिका करारदाद मंजूर। आईनी पैकेज के लिए मुख्तलिफ वकला काउंसिल के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी 7 दिन के अंदर अपनी तहरीरी सिफारिशात हुकूमत वक्त को पेश करेगी। 63 ए में अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है जुडिशल पैकेज आम आदमी को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश है। मुजवजा तरामीम का मजीद जायजा लेने के लिए दोबारा इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान इस वक्त आईनी बहरान का शिकार है। रात के अंधेरे में आईनी तरमीम करने की कोशिश की गई। 18वीं तरमीम में 1 साल लगा। तरमीम सोच समझकर होती है, मुशावरत करना पड़ती है। अवामी नुमाइंदों वकला को साथ लेकर चलना पड़ता है। मुसद्दे के बगैर हवा में कोई चीज नहीं कर सकते। बैरिस्टर अली जफर का वकला कन्वेंशन से खिताब। तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। मिसा के जमहूरियत साइन हुआ था, उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। जब इमरान खान के 3.5 साल का दौर इख्तदार था, ना इनके पास मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में थी, ना इनके पास मेजॉरिटी सेनेट में थी, और मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। आईन में तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। मिसा के जमहूरियत में जुडिशल रिफॉर्म्स की बात शामिल थी, नंबर्स पूरे नहीं थे, इसलिए कुछ चीज़ें नहीं हो सकें। चाहते हैं सारी आईनी तरामीम तमाम पार्टीज के इतफाक राय से हों। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरामीम पर PTI से बात करने में कोई हर्ज नहीं। बानी PTI के दौर में हुकूमत की मर्जी की कानून साजी की गई। साबिक स्पीकर असद कैसर ने गैर कानूनी बिल्स पास करवाए। PTI एनआरओ मांग रही है, तहरीक इंसाफ चाहती है इनके लीडर को जेल से निकाल दें तो बिल पास हो जाएंगे। हमारे पास किसी किस्म का मसौदा था ना दिया गया। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर हल क्यों नहीं होते। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबले कबूल है। तमाम तर सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान का किरदार मुस्बत रहा। लाहौर जलसे के लिए PTI कारकुनान तैयारी करें, जलसा हर सूरत होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर यूब की गुफ्तगू।